राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रूपये अनुदान देने की योजना चलाई थी, लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते श्रीगंगानगर के लगभग 500 परिवार इस योजना के फायदे से महरूम हैं। श्रीगंगानगर जिला यूं तो पंजाब की सीमाओं से मिलता है, लेकिन पंजाब जैसा खुशहाल नहीं। लोगों को दो वक्त की रोटी भी मयसर नहीं। ऐसे में बेटी की शादी मुसीबत जैसी ही लगती है। सरकारी मदद की आस में बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए लगभग 500 लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन पैसे आज तक नहीं मिले। मेरा बच्चा गया तो जाके जी उतो वापस फार्म भरा के आ गया, अजे तक सानू कोई न्याय नहीं दिता। जाता है गेड़ा ला के आ जाते, कोई कह दिंदा जी फलाने थां गया, कोई कह दिंदा ढींगड़े थां गया, ते जी कोई कह दिंदा जी बीमार ही पिया आ। वो जेड़े बैठे होंगे संत जी वो बस इस तरह लारे ला के ते पुठियां कल दिंदे आ। जितने को मैं कमाता हूं, जितने अपने रोटी खा सकूं, बच्चों को पाल सकूं, भी शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूं जी, मेरे पास तो यही है जी, जो सरकार दे दे कोई सहायता करे, और मैं एक मेरे माँ बाप मरे हुए, मेरा कोई सहारा है नहीं जी। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 51,000 रूपए दिए जाते हैं। जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए ये राशि भी मायने रखती है। समय से बेटी के हाथ पीले हो जाएं, इसके लिए लोग आवेदन करते हैं और फिर दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। मेन ऑफिसर जो है उसकी वहाँ पे पोस्टिंग नहीं है, वो सीट खाली पड़ी है, और दूसरा ऑफिसर है वो छुट्टी पर गया हुआ है, और तीसरा वहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है। जो जिन गरीबों ने आवेदन कर रखे हैं वो चक्कर काट रहे हैं, वो ऑफिस के दिन ब दिन चक्कर काट रहे हैं। 5-7-10 चक्कर मारने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता। कहते जयपुर से पास हो गया, जब पैसा मिलेगा। आखिरकार वो जिसकी लड़की की शादी होती है वो अपना मकान गिरवी रख के या कोई चीज बेच के लड़की के हाथ में ले करता है। रुपए न मिल पाने की एक वजह है श्रीगंगानगर का श्रम विभाग बाबुओं के भरोसे चल रहा है। कई अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं, कुछ अधिकारी छुट्टी पर हैं तो कुछ आते ही नहीं। लेबर वेलफेयर ऑफिसर है उसकी पोस्ट खाली है, डिप्टी लेबर कमिश्नर है जो है हमारे बड़े अधिकारी उनकी पोस्ट खाली है, जिसके कारण जो है सारे जो मजदूर वर्ग जो है अपने भवन निर्माण के तहत जो श्रमिक है उनको जो है लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बेटी को विदा करना हर माँ बाप का सपना होता है। कर्ज लेकर बेटी की शादी करते हैं तो जिंदगी भर कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। अगर पैसे की कमी की वजह से बेटी की शादी नहीं कर पाते तो उनका दर्द और भी बड़ा हो जाता है। काश अधिकारी भी इस दर्द को महसूस कर पाते और अपना काम ईमानदारी से करते। ऐसे ही अधिकारियों की वजह से एक बार फिर सरकारी योजना पर सवाल खड़ा हो गया है। सतवीर सिंह, समय राजस्थान, श्रीगंगानगर।